में रो दो है, इधर कॉलम दो है और इधर रो दो है, तो मल्टीप्लाई तो हो सकता है। अब आपको करना क्या है, आपको ऐसे लिख लेना है पहले वाली मैट्रिक्स को और फिर दूसरा मैट्रिक्स लिख लेना है, 2 3 4 1। ये आपने दोनों मैट्रिक्स लिख लिए। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो आगे हम देखते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने यहां से रो लेनी है, ध्यान रखिएगा रूल्स उल्टे हो रहे। चेक करने के लिए कॉलम लिया था बट मल्टीप्लाई के लिए रो लेनी। आप ये ध्यान रखिए कि हमें ऐसा सिंबल लेना है, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, इधर से रो इधर से कॉलम। सो ये ध्यान रखिए कि एक तरह से हमें क्या लेना है, टी लेना है और इधर से पहला कॉलम। अब इसमें आगे होगा क्या वो देखिए, आपने जिस रो को पिक किया है उसके फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 4, 1 × 2 प्लस, आप बीच में प्लस साइन आएगा, फिर ये सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, 4 × 4। सो यहां पे मैंने पहली रो को पहले से कंप्लीट कर दिया। अब इसी रो को आगे देखना, इधर कॉलम बचा हुआ है क्या, बिल्कुल बचा है, तो यही रूल आप आगे ऑर्डर को चेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे, 1 × 3 फर्स्ट एलिमेंट अगेन फर्स्ट से, फिर ये 4 × 1 बीच में प्लस। इस रो का दोनों से ऑपरेशन हो चुका है, हम रो की तरफ नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई, 0 × 2। यहां ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट एलिमेंट है इस रो का और इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ये है, सो फर्स्ट फर्स्ट से होगा, सेकंड सेकंड से। ऑब्जर्व आराम से करना। अब यहां पे देखते हैं, 0 को इस रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 0 × 3 प्लस 2 × 1, सो 4 × 4 16 प्लस 2 18, 3 प्लस 4 7, ये 8 हुआ, ये हुआ 2। सो ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में नहीं आए तो 2 3 बार इसकी प्रैक्टिस करें। वन टू थ्री फोर, 1 2 4 5 1, दूसरा एलिमेंट मैंने लिया डी, इसमें 3 कॉलम है, मैं 3 रो के साथ ले रहा हूं, 2 5 1 0 2 5 या 1 2। अभी मुझसे पूछ ले बी इंटू ए होगा या नहीं होगा, ध्यान रखना मैं बी इंटू ए बोल रहा हूं। सो बी में देखे कॉलम कितने हैं, खड़ी लाइन वर्टिकल लाइन 2। ए में रो कितनी है, 2, हो सकता है बी इंटू ए हो सकता है। अब होगा कैसे, पहले मैंने लिखा 2 0 5 2 1 1, इधर से मैंने लिखा 1 2 3 4 5 1। सो ध्यान रखिएगा सिंबल हमें कौन सा फॉलो करना है, ये वाला, इधर से हमने फर्स्ट रो ली और ये फर्स्ट कॉलम, टू इंटू वन, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इससे, फिर हम लगाते प्लस दूसरे को ऑपरेट करने पर, 0 × 4। सो ये पहला पहले से कंप्लीट हो चुका है, आप इसे सॉल्व कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। बीच में कोई साइन नहीं होगा, कोई सिंबल नहीं होगा, आगे चलेंगे दूसरी जगह पे और इसको दूसरे कॉलम से ऑपरेट करेंगे, 2 × 2 प्लस 0 × 5, ये कंप्लीट है। अब ये थर्ड कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, 2 × 3 प्लस 0 × 1, ऐसे ही। अब आप बात करेंगे सेकंड रो की, सो फर्स्ट एलिमेंट फिर फर्स्ट कॉलम से, ध्यान रखना रो चेंज होती जाएगी, पैटर्न वही है कि पहले वो फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, 5 × 1 फिर 2 × 4, बीच में प्लस साइन हमेशा, 5 सेकेंड कॉलम सेकेंड रो चल रहा है, 5 × 2 प्लस 2 × 5, फिर 5 × 3 प्लस 2 × 1, 1 × 1 प्लस 1 × 4, थर्ड रो ले लिया मैंने और कॉलम थर्ड फर्स्ट ही लिया है, 1 × 1 1 × 4
वन इंटू टू प्लस वन इंटू फाइव एंड वन इंटू थ्री प्लस वन इंटू वन. अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहां पे मैंने सॉल्व किया टू इंटू वन टू प्लस जीरो इंटू फोर जीरो, सो ये टोटल टू हो गया सॉल्व करने के बाद. अच्छा एक खास बात और ध्यान रखना कि आपको क्या पता क्या आंसर आने वाला है, आंसर नहीं पता कर सकते, ऑर्डर पता कर सकते. आपने यहां लिखा बी इंटू ए, इसको मैं रब कर रहा हूं, आप इसका ऑर्डर देख सकते हैं, ऑर्डर कितना रहा थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री का ऑर्डर का आंसर बनेगा. अब बी इंटू ए देखते हैं कि हमें पहले ही ऑर्डर पता चल जाए. देखिए आपने पहले क्या लिखा बी इंटू ए, सो बी इंटू ए तो बी का ऑर्डर बताइए थ्री इंटू टू, तीन रो दो कॉलम. ए का ऑर्डर बताइए टू इंटू थ्री, ये मिडिल कट जाता है आंसर ये होता है थ्री इंटू थ्री का ऑर्डर आएगा. ठीक है, सो इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आप समझिए, इसके कई क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री. हो सकता है मल्टीप्लाई पॉसिबल भी नहीं हो, सो चेक कर लीजिएगा इसे. और वन टू थ्री फोर, टू वन थ्री फोर, जीरो वन टू थ्री, वन टू फोर फाइव. सो इसे आप नोट कर लीजिए चारों क्वेश्चन आपके, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. मल्टीप्लाई करना है कॉलम को रो से, सॉरी कॉलम और रो नंबर सेम होंगे तो मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, थैंक्स.